हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मुझे खांसी हो रखी है और आज की शुरुआत सुबह की हमारी हो गई है। और देखिए मौसम आज कितना सुहाना है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और एकदम कुहासा कुहासा वाला ठंडा ठंडा वाला मौसम है, जो हम लोग को बहुत पसंद है। दार्जिलिंग का याद दिलाता हुआ मौसम, ये मौसम हम लोग अक्सर दार्जिलिंग वाला याद दिलाता है और कुछ करने को मन करता है क्या। यस, तो हम लोग सोच रहे तुम्हारे दिल में सोच रहे तो हमारे दिल दिमाग में, दोनों के दिल दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ खुरापाती किया जाए, ये मौसम का आनंद उठाया जाए और ये मौसम में कुछ चटपटा होना चाहिए। यस, तो गाइस खुराफाती हमारा कुछ ये चल रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि चलो क्यों ना छत पे पार्टी की जाए और पिकनिक पार्टी की जाए, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि कुछ मौसम में कुछ तो खुराफाती होना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं, हम दोनों डिसाइड कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि मौसम चलो लेते हैं मजा इसका, तो अभी हम विक्की को कॉल करते हैं और उधर से क्या बोलते हैं कुछ लेके आने के लिए कुछ, क्या हमारा तो पार्टी मटन से ही शुरू होता है, मटन से ही खत्म होता है। बर्थडे पे शायद इनको संतुष्टि नहीं हुई थी, संतुष्टि नहीं होता, और एक्चुअली मटन थोड़ा तीखा भी था, तो ये दोनों भाई अच्छे से खा भी थे, हम दोनों तो फिर भी खा लिए थे, ये लोग अच्छे से नहीं खा पाए थे। नहीं, और उस दिन इसलिए भी संतुष्टि नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग को आदत है घर में बना के चटपटा, थोड़ा मजेदार, टेस्टी, लेकिन वहाँ पे था अच्छा था, लेकिन चलो फिर भी इनके लिए और विक्की के लिए एक सरप्राइज पार्टी। लेकिन विक्की के लिए क्या सरप्राइज? विक्की के लिए मौसम का सरप्राइज, अच्छा। क्योंकि तीता नहीं डालेंगे इस बार, एकदम लाइट तीता रहेगा और विक्की से ही बनवाएंगे, क्योंकि उस दिन एक दिन बहुत अच्छा बना है। बोलेंगे ऐसा सरप्राइज मेरे को नहीं चाहिए बाबा, मेरे से मंगवा रहे हो, मेरे से बना रहे हो। श्रुति गई है फोन लाने के लिए और फोन लाएगी, उसके बाद विक्की से बात करेगी या मैं करूँ बात, ठीक है मैं ही बात करती हूँ। कुछ ये है कि पत्नी की बात पति लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन भाभी का बात पति लोग सुनते, मतलब उनके देवर लोग सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ही फोन कीजिए और बोलिए उनको मटन लेके आने के लिए। तो फोन तो पकड़ो यार, बात करते हैं। गाइस भाभी अब फोन लगा रही है अपने विक्की जी को। विक्की जी उठाए, स्पीकर पे रखिए, रिंग नहीं हो रहा। हुआ हुआ। हेलो हेलो, हाँ बोले जिम में है, बोले कि मौसम कैसा लग रहा है? तो श्रुति का इस मौसम में श्रुति को कुछ मन कर रहा था खाने का, तो हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना इस मौसम में लुत्फ उठाया जाए, भैया को सरप्राइज दिया जाए। हाँ, तो सोच रहे कि उधर से जो मिले आपको अच्छा चीज, तो उधर से आप डायरेक्ट बोलिए ना मटन लेते आइएगा। मटन लेते आना नहीं, हम सोच रहे थे इस मौसम का मजा उठाया जाए क्योंकि हम लोग को दार्जिलिंग का याद दिलाता है, तो क्यों ना हम लोग इस मौसम, क्योंकि बार बार ये मौसम आएगा नहीं ना, पिकनिक वाला मौसम है क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए चलते हैं पार्टी करते हैं। ठीक है, मटन लेते आते। हाँ ठीक है, हम लोग इधर तब तक अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग तैयार रहते हैं, आप लेके आइए। ओके ओके, तो गाइस मटन का तो हो गया हमारा, वो मटन लेके आ रहे हैं, लेकिन भाभी हम लोग को बहुत सारा तैयारी करना है। हाँ, क्योंकि इस बार मटन जो है वो किचन में नहीं बनेगा, नहीं, मटन जो है वो बनेगा छत पे पिकनिक की तरह। क्या हुआ? टूटू का गाइस चल रहा है, तो हम लोग अभी फिलहाल बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, तो पहले मैं सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट किया है। सब पार्टी टाइप जैसे पिकनिक टाइप। तो भैया को भी फोन कर देते हैं कि अगर वो स्कूल से आएंगे तो हम लोग के लिए स्नैक्स लेते हैं। अंडा मंगवा लीजिए, तो बोलते हैं अंडा। हाँ ठीक है, अंडा बॉइल करवा लेते हैं, कल से मन कर रहा है। बाबरे अंडे के पीछे कल्चर पड़ी हुई यार, अंडे के पीछे, तो ठीक है अंडा कल ऑमलेट भी खिला दिया। पता है एक बार कल हम ट्रिपल अंडा का ऑमलेट बनाए थे। अरे तो गाइज आयांश कहाँ गया? आयांश देख रहे हो, ये लड़का ना बहुत बदमाश हो गया है, पता नहीं नीचे निकल जाता है आजकल, ये देख रही हो श्रुति, फिर कहीं गया है वो, देखो बिना बोले हम आजकल बाहर निकल रहा है वो, क्या अच्छा विक्की के लिए। तो गाइज विक्की आ गया है मटन लेके, और इसके साथ साथ में ये भी लेके आया है समोसा है। ये मेरा फेवरेट मिठाई है, ये छेना छेना इनको बहुत पसंद है, देख के लालच आ रहा है, बट
मुंह में था छेना जलेबी बन गया। बहुत पसंद है इतनी खुन्नस से क्यों देख रहे हो, काना है तो का लो तुमको। अच्छा दो ही पीस लाए, हम लोग नहीं लाए हैं, हम लोग सिर्फ ये लाए हैं समोसा और बस मिठाई नहीं है। और चाय पापा के लिए, पापा को एक मिठाई। ममता भी आ गई है सब ना ठीक, अरेंजमेंट करिए जल्दी जल्दी, सब चीज करवाइए, ऊपर जाके शिफ्ट करना है, फिर बहुत लेट हो जाएगा तो शाम में फिर बाबू को लेके रखने में दिक्कत होगा। ठीक है, मैं तो आयांश को ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया वो लड़का। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं छत पे, यानी कि हमारे पिकनिक स्पॉट पे, और अब यहाँ पे हो रही है तैयारियाँ। Nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. You can... सब्जी अरेंजमेंट हो गया और अब बस बनने की तैयारी होगी। यहाँ पे चावल का पानी भी लिया है, बस भैया आएंगे, स्टार्ट करते हैं। पापा, मम्मा, अरे वाह, इसको बस यही चीज चाहिए। मेरा गाना सुनना, ठीक है? खाता नहीं है ये लड़का। एक पीस, दो पीस, एक दो पीस क्या? दो टाइम में एक्साइटमेंट रहता है मटन बनने का। हम लोग को भी रहता था, सेम सेम हम लोग को भी एक्साइटमेंट रहता है बेटा। मम्मा मेरा गाना सुनो, सुनो सुनो। आशिक बनाया, अरे वाह, आशिक बनाया, आशिक बनाया। पूरी टीम आ चुकी है हमारी और बस अब बच गए हैं ये, अब इनका आने का वेट कर रहे हैं। दोस्त श्रुति बहुत एक्साइटेड है क्योंकि भैया कुछ कुछ लाने वाले हैं। श्रुति को रोक दिए वरना अभी से ये शुरू हो जाती है। तो गाइस कुकर में देखिए तेल डला गया है। वो समझ गए, क्या हो गया बताइए? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, तुम अपना रिकॉर्ड करो। ठीक है, अभी इसमें डाल दिए हैं 250 ml सरसों का तेल। अब जा रहा है इसमें देसी घी, बटिया अमूल घी। अरे वही हुआ यार, ये भी आ गए हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो आयांश एक्साइटेड हो गया है। देखो आहाना जो है वो दादा के पीछे पड़ी हुई है, और ये दादा का चश्मा लेने के लिए। एक बार लेने दीजिए, देखिए तो क्या करती है, देखे देखे है, ये ले ली। गाइस ये देखिए भैया भी आ गए हैं और लेके आए हैं बहुत सारा सामान। ओहो अंडे, और इसमें क्या है? ये रही पार्टी, पार्टी, पार्टी स्नैक्स, स्नैक्स। यस, अब मजा आएगा, तुम्हारे लिए क्या क्या लेके? अरे वाह, केक भी है, ये ज्यादा मजेदार चीज है। चकली भी है, देखिए चकली इनका फेवरेट, चकली। चलो पार्टी चलेगी, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं पार्टी। क्या अनुज मजा आ रहा है? बोलो हाँ, ऐसे कौन बोलता है? रो के बोला हाँ, पूरा व्यवस्था हो गया आपके लिए। आपको मन नहीं कैसा लगा बोलिए? तो विक्की आप लोग, आपके लिए सरप्राइज।
चावल बन गया है? नहीं नहीं चढ़ेगा चावल, अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, आजा मनोज। कैसा रहा सरप्राइज? एक नंबर। आओ क्या खाओ क्या खाओ। ये शुरू भी हो गया, देखिए गाइस शुरू हो गया। अनु भाई रुको, छुट्टू पकड़ो बुआ को। अब गया है आधी हरी मिर्च और लहसुन, और उधर मैंने चावल का भी पानी चढ़ा दिया है। अब एक भी चढ़ा देते हैं क्या बॉईल करने के लिए। तो गाइस ये देखिए हमारा मीट जो है वो चढ़ गया है, और अभी खस्सी का मीट है हमारा मीट नहीं है। उधर अंडा भी दिखाइए थोड़ा, अरे दिखाइए। और ये देखिए यहाँ सबके लिए एग बॉईल हो रहा है, एकदम परफेक्ट पिकनिक का व्यवस्था है। वो देखिए स्नैक्स निकाल रही है भाभी। बट वो सामान थोड़ा छोटा पड़ गया क्या? नहीं ठीक है, एक नंबर है। और वहाँ देखिए डीजे भी लग गया है, छोटा डीजे। डीजे बॉय ये रहा, डीजे बॉय ये रहा। अब हम लोग तब तो ये जब तक अंडा बॉयल होता तब तक हम लोग ये कुछ कुछ खा लेते। सही बात है। देखिए टूटा फूटा अंडा आ गया है सबके पास। इधर घूमिए आप लोग, अंडा वाले सब नहीं घूम रहे, देख रहे कितना मगन अंडा खाने में। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। हमारा कुकर जो है वो गैस पर से उतर गया है, और अभी इसमें प्रेशर भरा हुआ है, इसीलिए अब इसको नहीं खोला जा रहा है। और वहाँ चढ़ा है चावल, और यहाँ बैठा है आदमी। सबके मुंह में मचन मचन बना हुआ है, देख लीजिए। इसका भी मुंह देख लीजिए, ये बदमाश का। गाइस फाइनली हम लोगों नीचे भाग के आना पड़ा, क्योंकि वर्षा भी होने लगी, मतलब बूंद बूंद पड़ने लगा वर्षा, और अंधेरा भी हो गया था, जिसके कारण हम लोगों नीचे आना पड़ा। और अभी हम लोग सारा चीज हो गया है, खाना बन गया है, तो बस अब हम लोग खाना खाने जाने वाले हैं। आना रानी भी सो गई है, तो जल्दी फटाफट खा लेते हैं, वरना आना उठ जाएगी। तो फिर देखो श्रुति उसको सुला दी, तो फटाफट जाते हैं, सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो जो हम लोग ने सोचा था, जो प्लान किया था, बस शॉर्ट टाइम पे हम लोग ने प्लान किया, वो भी सक्सेसफुल रहा। तो चलो सबसे पहले खा के देखते हैं कि कैसा बना है छत वाला मटन। तो छत वाला मटन हम लोग तो छत पे ही खाना चाहते थे, बट खा नहीं पाए। कोई बात नहीं, देखते हैं छत वाला मटन कैसा बना है। बालकनी वाला, तो अभी बालकनी वाला खाना खाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, चलो खाना भी सो गई है, फटाफट निकाल के खा लेते हैं। आज जो हम लोग ये शॉर्ट पिकनिक मनाया, उसमें बहुत मजा भी आया। उम्मीद करते कि आप लोगों को भी देखने में बहुत ही मजा आया होगा। बहुत मजा आया होगा। तो फिलहाल गाइज अब समय आ गया है हमारे ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। उम्मीद करते कि हमारा आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइज अब चले हम अहाना के साथ सोने के लिए, और अहाना तबाही मचाई हुई है, और आयांश तो सो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, नजरी।